अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त आपको तीन बड़ी खबरें दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर इसराइल के मुतल्लिक है, जिसके मुतल्लिक लोग यानी दुनिया ये यकीन कामिल रखती थी कि पूरी दुनिया भी अगर अमेरिका का साथ छोड़ जाए, लेकिन इसराइल कभी भी अमेरिका का साथ देने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन आज सहयूनी रियासत ने जो किया उसे आप मसलहत कहें या बेवफाई या फिर बुजदिली, लेकिन बहरहाल इसराइल रूस और यूक्रेन के मसले पर मुमकिना जंग में यूरोप और अमेरिका को टाटा बाय बाय करके फारिग हो गया है, और पूरी दुनिया का मीडिया इसराइल के इस फैसले को चस्के ले लेकर कवरेज दे रहा है। लेकिन मैं आज इसराइली अखबार यरूशलम पोस्ट में छपने वाली वो वजाहत आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो कि इसराइली हुकूमत ने दी है कि आखिर वो क्यों और किस लिए इस जंग में रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकता। ये वजाहत इसराइली हुकूमत को मजबूरन देना पड़ी जब यूरोप के बहुत से मुल्कों ने इसराइल को आड़े हाथों लिया कि जनाब, जब तुम्हारी 8-8, 10-10 मुल्कों से जंग थी तो हमने और अमेरिका ने तुम्हारा आलमी कवानीन को बालाए ताक रखते हुए साथ दिया, लेकिन आज जब तारीख में पहली बार यूरोप और अमेरिका को जंग का सामना है और ऐसी सूरत हाल आन पड़ी तो इसराइल ने कांपना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा मध्य मुकाबिल रूस है, यानी इसराइल सिर्फ गजा की पट्टी में मौजूद मुट्ठी भर मुसल्ला ग्रुपों के ही काबिल है। लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, इस तरह की मुतफर्रिक एतराज़ात के मगरबी मीडिया में आने के बाद और अमरीका में अवामी रद्द अमल आने के बाद अब आपको वो वजाहत अर्ज करता हूँ जो की यरूशलम पोस्ट नामी इसराइली अखबार में इसराइली हुकूमत ने दी है। इसराइली हुकूमत ने पहली वजह ये बताई कि जनाब, हमारी बहुत सारी फैमिलीज यानी खानदान यूक्रेन में और रूस में दोनों में आबाद हैं, और बहुत से यूक्रेन के लोग इसराइल में भी हैं, लिहाजा अगर फुल स्केल जंग होती है तो उनकी जानों को खतरा है, लिहाजा हम अपने लोगों को रूसी गोलाबारी की खुराक बनता हुआ नहीं देखेंगे और ना ही चाहेंगे कि रूस में कोई उन्हें नुकसान पहुंचाए। याद रहे कि दुनिया में सिर्फ 1 करोड़ यहूदी हैं, जिनमें से 80 लाख इसराइल और बाकी 20 से 30 लाख दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, और यहूदी चाहते हैं कि उनकी भी दीगर मजाहिब की तरह भारी भरकम तादाद हो और यहूदी कौम आगे बढ़े फले फूले, क्योंकि कोई भी शख्स यहूदी मजहब में दाखिल तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ जो पैदाइशी तौर पर यहूदी होता है बस वही यहूदी कहलाता है और कोई इसमें दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए इसराइल के लिए एक यहूदी की मौत भी नाकाबले बर्दाश्त नुकसान होती है। दूसरी बड़ी वजह इसराइल ने ये बताई कि जनाब, रूस एक बहुत बड़ी फौजी ताकत है और उसके पास सलाहियत है कि वो दुनिया के किसी भी कोने को मिसाइलों से निशाना बना सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा ना करे तो इसराइल की सरहद के साथ शाम की सरहद है जिसमें रूस मौजूद है, उसकी फौज और असलहा भी मौजूद है, अगर हम यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ लड़ेंगे तो हमें उसकी डायरेक्ट कीमत चुकाना होगी, क्योंकि ऐसी सूरत में रूस हमारी सरहदों पर हमलावर हो जाएगा और शामी सरहद के अंदर मौजूद शामी और ईरानी फौज भी यही चाहती है, जबकि यूरोप के दूसरे बड़े मुल्कों में से किसी की सरहद पर भी रूस की फौज मौजूद नहीं है, वो सिर्फ यूक्रेन जाकर रूस से लड़ेंगे, लिहाजा हम अगर यूक्रेन जंग लड़ने गए तो रूस को भी हमारी सरहदों में दाखिल होने का मौका मिल जाएगा। तीसरी वजह इसराइल ने ये बताई कि जनाब, जिस तरह अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को इत्तेहादी होने की हैसियत से उसका दिफा करने यूक्रेन पहुंच रहे हैं, इसी तरह ईरान भी रूस का इत्तेहादी है,
अगर कल को हम ईरान के एटमी प्रोग्राम पर हमला करते हैं या ऐसा कोई इरादा करते हैं, तो इसी मंतक के तहत कल रूस भी ईरान में उसका दिफा करने पहुंच जाएगा और ईरान के एटमी प्रोग्राम और हथियार सिर्फ हमारे लिए खतरा हैं, यूरोप के लिए नहीं। चौथी वजह, इसराइली हुकूमत ने इसराइली अखबार यरूशलम पोस्ट में ये बताई कि जनाब आप इसराइल से गिले शिकवे कर रहे हैं, लेकिन यूरोप के 6-7 बड़े मुल्कों को अगर निकाल लें, बाकी यूरोपीय मुल्क भी खुलकर इस कशीदगी या रूस के खिलाफ जंग पर मुतमईन दिखाई नहीं देते और इस एडवेंचर को मुनासिब नहीं समझते। नाजरीन मोहतरम, आखिर में इसराइल ने सबसे अहम तरीन वजह ये बताई कि अमरीका और यूरोप के पास ताकत की कोई कमी नहीं और ना ही रूस के पास फौजी ताकत में कोई कमी है, लिहाजा ये यकीन नहीं किया जा सकता कि जंग के नतीजे क्या होंगे। लेकिन इसराइल के अमेरिका से बहुत गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं और रूस के साथ भले ही हमारे ताल्लुकात उस लेवल के नहीं हैं, लेकिन हमारे दरमियान दुश्मनी भी नहीं है, लिहाजा अगर जंग किसी नतीजे पर ना पहुंची तो इसराइल रूस और अमेरिका के दरमियान तुर्की की तरह सालसी का किरदार अदा करने के काबिल होगा, क्योंकि हम फरीक नहीं बने होंगे। नाज़रीन मोहतरम, मुसलमानों को तालीम है कि यहूद तुम्हारे कभी दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन मुझे लगता है ये मुसलमानों के तो क्या, ये हमारे ईसाई भाइयों के भी कभी दोस्त नहीं बन सकते, वरना तो अमेरिका ने इसराइल के लिए क्या कुछ नहीं किया। नाजरीन गिरामी, इसके साथ ही आपको ताज़ा खबरों में बताते चले कि अमेरिका के जिन बहरी बेड़ों की मैंने कल की वीडियो में आपको खबर अर्ज की थी कि चीनी हुदूद के करीब वो जंगी मशकें करने पहुंचे हैं, उसमें से एक बहरी बेड़े पर अमेरिका का जदीद तरीन F-35 तैयारा तबाह हुआ है, जो कि बहरी बेड़े पर ठीक से लैंडिंग नहीं कर सका। अलबत्ता समंदर में गिरने वाले पायलट की जान हेलीकॉप्टर के जरिए बचा ली गई थी। जबकि तीसरी खबर ये है कि इसी जंगी मशकों की शुरुआत में चीन ने अपने जंगी तैयारों के खौफनाक गश्त से जहां इन अमरीकी बेड़ों को वेलकम किया था, वहां शुमाली कोरिया ने भी अपने अंदाज में एक नए और खतरनाक क्रूज मिसाइल का तजर्बा इसी समंदर में करके वार्निंग जारी की है कि जनाब ये हमारा भी इलाका है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।